हेलो, गुड आफ्टरनून बच्चों। आज मैं आपको हिंदी विषय के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे अनुक्रमिका, ठीक है। हमारा प्रथम सत्र में क्या है, पहला पाठ चित्रपाठ है, ओके। अब हम चित्रपाठ को समझेंगे। पहले चित्र में क्या दिखाया जा रहा है, पहले चित्र में तरबूज, सेब, अंगूर और आम, ठीक है। पहले चित्र में हमें ये चार चीज़ को दिखाया जा रहा है। दूसरे चित्र में क्या है, आलू है, पत्ता गोभी है, गाजर है, बैंगन है, मूली है, भिंडी है। तो दूसरे चित्र में हमें सब्जियों के नाम दिखाया जा रहा है। ठीक है। अब तीसरे चित्र में एक किसान खेत के पास खड़ा है। अब चौथे चित्र में क्या दिखाया जा रहा है, तो चौथे चित्र में एक बच्चा छत के ऊपर चढ़कर पतंग उड़ा रहा है। पतंग कब उड़ाया जाता है, मकर संक्रांति के दिन। पांचवें चित्र में यह दिखाया जा रहा है कि एक छोटी सी बच्ची है जो बरसात के दिन छाता खोल के बाहर निकली है, ठीक है। अब छठे चित्र में क्या दिखाया जा रहा है, तो छठे चित्र में ये दिखाया जा रहा है कि एक छोटा सा बालक ठंडी की मौसम में आग के पास क्या कर रहा है, तो आग ताप रहा है। और सातवें चित्र में क्या दिखाया जा रहा है, तो सातवें चित्र में एक छोटा सा बालक है जो गर्मी के मौसम में नहा रहा है। तो आपको ये चित्र के बारे में पता चल गया कि सारे चित्र में क्या क्या चीज़ बताया जा रहा है। यहाँ पे कितनी चित्र बनी हुई है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सात चित्र है ना, तो सातों में अलग अलग चीज़ दर्शाए गए हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न और उत्तर, ठीक है। तो अब हमारा आ जाता है स्वाध्याय। तो स्वाध्याय में अब देखिए कि तरबूज, चलिए मैं आपको ऐसे बता देती हूँ, स्वाध्याय में अब क्या बोल रहा है, चित्र के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न हमारा क्या है, तरबूज किस मौसम का फल है। उत्तर हमारा क्या आएगा, तरबूज गर्मी के मौसम का फल है। दूसरा प्रश्न हमारा क्या है, शरबत का उपयोग अधिकतर किस मौसम में करते हैं। इसका उत्तर क्या होगा, शरबत का उपयोग अधिकतर गर्मी के मौसम में करते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है हमारा, बच्चे कागज की नाव किस मौसम में चलाते हैं। तो इसका उत्तर क्या आएगा, बच्चे कागज की नाव बरसात के मौसम में चलाते हैं। चौथा प्रश्न हमारा क्या है, गर्म कपड़े किस मौसम में पहनते हैं। तो चौथा का उत्तर हमारा क्या आएगा, गर्म कपड़े ठंडी के मौसम में पहनते हैं। अब हमारा पांचवा प्रश्न आता है, पतंग किस त्यौहार पर उड़ाई जाती है। तो पतंग मकर संक्रांति के त्यौहार पर उड़ाई जाती है, ठीक है। ओके। फिर छठा प्रश्न क्या है, चित्र के बारे में 5 वाक्य लिखिए। आपको चित्र के बारे में ओनली 5 वाक्य लिखना है। वहाँ पे चित्र तो 7 चित्र मेंशन की गई है, बट आपको यहाँ पे ओनली 5
पांच चित्र के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। ओके, तो चलिए हम देखते कि पांच चित्र कौन कौन से मैंने लिखे हुए हैं। प्रथम चित्र में सेब, तरबूज, आम, अंगूर इत्यादि फलों के नाम दिए हैं। द्वितीय चित्र में बैंगन, आलू, मूली, पत्ता गोभी, गाजर इत्यादि को दर्शाया गया है। तीसरे चित्र में किसान खेत के पास खड़ा है। ओके, चौथे चित्र में एक छोटी लड़की बरसात में छाता खोली हुई है। ओके, पांचवें चित्र में एक छोटा बालक आग के पास बैठा हुआ आग ताप रहा है। तो आज का लेशन, आज का पाठ हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। ओके, तो आपको समझ आ गया ना, चित्र के आधार पे हमें सारे प्रश्न उत्तर करने थे। ठीक है, ओके, बाय।